के मुंह में अकेला छोड़कर मैं कैसे चला जाऊं नील? चाहत 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 क्यों कर रही हो ऐसा? चाहत प्लीज प्रैक्टिकली सोचो। चाहत चाहत बचने का कोई रास्ता नहीं। चाहत प्लीज चाहत 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 समझने की कोशिश करो। 100 99 98 नहीं 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 97 पागल हो गई हो तुम? ये क्या किया तुमने? ये आज जान जलकर मरना मेरा मुकद्दर है। मैं जानती हूँ गोलू को भी मिसेस देख ने ही किडनैप करवाया था। गोलू के जरिए वो मुझ तक पहुंचना चाहती है नील। ये मौत उन्होंने मेरी किस्मत में लिखी है नील। लेकिन नील आज आप आखिरी सांसें नहीं गिनेंगे और ना गिरबा, ये आखिरी सांसें मेरी है। चाहत मैं कुछ नहीं होने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ। आप जाइए, आप प्लीज जल्दी जाइए। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। चाहत प्लीज मेरी बात सुनिए, आप जाइए गोलू को लेकर। नहीं आज एक आखिरी चीज मांग रही हूँ आपसे। चाहत नहीं 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 नहीं, जो तुम मांग रही हो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। चाहत चाहत मैं तुम पर पहले भी कुर्बान होने के लिए तैयार था और आज भी हंसते हंसते कुर्बान हो जाऊंगा। चाहत चाहत नहीं, मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता। नील खुदा के लिए प्लीज आप यहां से चले जाइए। नील हमारी गोलू के बारे में सोचिए। नील प्लीज, नील नील इस नन्ही सी जान के बारे में सोचिए। नील इसकी तो पूरी जिंदगी बची है। किसी को कुछ भी नहीं होगा, मैं कुछ करता हूं। चाहत नील किलो हो गए तो मैं यहां से उतर सकती हूं। नील आप गोलू को मुझे दीजिए। हाँ।
की और गोलू की लाइफ के साथ कोई चांस नहीं ले सकती। तू यहीं रुक, कुछ नहीं होगा तुझे, मैं तेरी मामी को लेकर आता हूँ। नहीं नील, नीला बंदर नहीं आएंगे, अब बहुत देर हो चुकी। बकवास बंद करो चाहत, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं नील, प्लीज जाने दीजिए मुझे, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप सब लोग इन सब चीजों से गुजरे। नील प्लीज जाइए। नील, सवाल ही पैदा नहीं होता, जी रहे तो तुम्हारे साथ और मरने तुम्हें दूंगा नहीं मैं। अब मैं जा रही हूँ। उठो, बहुत में इतनी ताकत नहीं है कि वो तुम्हें मुझसे छीन पाए। चाहत, मैं जब तक जिंदा हूं ना तो ब्रेक आज नहीं आने दूंगा। चाहत उठो। पापा, सॉरी अवस्थी अंकल, क्या आप मुझे सीसीटीवी की फुटेज फोन पर सेंड कर सकते हैं? अगर लोगों को तुम्हारी सच्चाई पता चल जाए, तुम्हारे धर्म के बारे में पता चल जाए ना, तो हम दोनों को कभी साथ नहीं रहने देंगे। उन लोगों के पास हजार रीजंस होंगे कि हम दोनों को साथ क्यों नहीं होना चाहिए। लोगों के पास हजार रीजंस होंगे कि मैंने तुम्हारी जान क्यों बचाई। लोगों के पास हजार रीजंस होंगे कि मुझे तुमसे प्यार क्यों नहीं होना चाहिए था।
मेरे पास सिर्फ एक रीजन है जिसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा चाहत। मेरे पास सिर्फ एक रीजन है जो तुम्हारे नाम, तुम्हारे परिवार और तुम्हारे धर्म से बढ़कर है, और वो रीजन ये है कि नील चाहत के साथ रहकर ना एक बेहतर इंसान बन जाता है। चाहत, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। दिल में घर कर गई हो तुम चाहत, चाहत अब जीऊंगा तो तुम्हारे साथ, बाकी सब हैंडल कर लेंगे हम। आँखें खोलो, चाहत आँखें खोलो। नील, हाँ, मेरा फोन। हाँ, मेरा फोन। इसका मतलब मुझ पर पिघला हुआ लोहा गिराने वाला तुम्हारा बाप था, डॉक्टर बेग था, जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की। डॉक्टर बेग ने मेरी बक्स को मारा और अब वो मेरी जान लेने की कोशिश कर रहा है। उस दिन लोहे की फैक्ट्री में उसने तुम्हारी जान तक की परवाह नहीं की चाहत, जिसे आज तक तुम फरिश्ता समझते आई हो, जिसके लिए तुम प्रार्थना करती आई हो, वो आदमी नहीं हैवान है, एक हत्यारा है चाहत। तुम्हारे बाप ने मुझसे मेरी पहचान छीन ली चाहत। तुम अब भी कहोगी कि तुम्हारे बाप ने मेरी बक्स को नहीं मारा चाहत, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? तुम्हारा बाप हत्यारा है, क्या सबूत चाहिए तुम्हें? छोड़ दो मेरी चाहत को। मेरी बेटी पर जितनी ज्यादतियां करनी थी तुम कर चुके, आज तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा मैं देकर रहूंगा। उस दिन तो तुम मेरे हाथों से बच गए थे, आज नहीं बचोगे। बाबा! बारी? सब ठीक है बारी? देख सब ठीक है, बुरा सपना दिखा तूने। शुक्रिया अल्लाह का कि एक सपना था। नील ने अभी तक वो सीसीटीवी फुटेज नहीं देखी है। नीलकंठ ने बताया मुझे किस तरह तूने अपने प्राणों पर खेलकर कृपा की जान बचाई है। इस परिवार का सौभाग्य है कि तू बेटी बनकर इस घर में आई है। बाबा ने मुझे इतना प्यार दिया, अपनी बेटी का दर्जा दिया, और मैं इन्हें धोखा दे रही हूँ ये जानकर कि मेरे ही बाबा है जिन्होंने नील की जान लेने की कोशिश की। मैं चुप कैसे रह सकती हूँ? पहले मैं नीलकंठ की पसंद का विरोध करता था, कदाचित ये मेरा अभिमान था, लेकिन अब नीलकंठ की पसंद ही मेरा अभिमान है। नहीं बाबा, आपका गुरूर कहलाने के लायक नहीं हूं। आप सबकी और नील की गुनहगार हूं। जी
मुझे वो चाहत को डॉक्टर के पास लेके जाना है। अपॉइंटमेंट भी ली हुई है मैंने। तो परेशान मत हो, जिसने भी कृपा का अपहरण किया था ना, पुलिस उसे अवश्य पकड़ लेगी, कड़ी से कड़ा दंड दिलवाएंगे उसे। प्रमुख जी, मैंने व्यास जी को अभी अभी पुलिस के साथ फोन पे बात करते हुए सुना था कि कृपा का किडनैप किसने किया था। कहीं उन्हें पता चल गया कि ये धमाका भी आप ही ने किया था, तो इस बार आप नहीं बच पाएंगे। अरे मामी, आप अभी तक मुझे जान ही नहीं पाई है, मैं पकड़े जाने वाली चीज नहीं हूँ। ये देखिए, आज के समाचार पत्र का शीर्षक, उत्तराखंड में आतंकवादियों का भाई। उत्तराखंड में पौड़ी जिले में कैफे अंजुमन नाम की आतंकी संगठन से जुड़ी 3 महिलाओं को पकड़ा गया। हाँ, ये समाचार तो मैंने भी टीवी पे सुना था, पर इसका हमसे क्या लेना देना? लेना देना नहीं है मामी, तो लेना देना हो भी तो सकता है। क्या मतलब? हेलो पौड़ी पुलिस थाना, टीले के पीछे वाले वेयरहाउस में जो धमाका हुआ था उसकी पूरी जिम्मेदारी बुरखा क्लाउड लेता है। और इतना ही नहीं, अभी और धमाके होंगे, इन धमाकों के लिए अब आप तैयार रहिएगा जनाब। कैसे शक होगा मामी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं वो आलिख हूं जिससे ना तो कोई बच पाया और जिससे ना तो कोई बच पाया। इस धमाके के इल्जाम से तो आप बच जाएंगे, लेकिन वो सीसीटीवी वीडियो का क्या? वो तो नील की बुआरी फिर से मंगवा लेगी। कैसे मंगाएगी मामी, कैसे मंगाएगी? अवस्थी की फैक्ट्री में काम करने वाले एक आदमी को मैंने पैसे देकर उस फुटेज को डिलीट करवा दिया। अब रास्ता साफ है मामी, बस इस रास्ते में एक ही कंकड़ है जो मुझे बार बार चुभ रहा है, और वो कंकड़ है नीलकंठ। इसका कुछ करना पड़ेगा मामी। नीलकंठ जल्दी ले जा। चाहत, चाहत, कुछ नहीं हुआ है, मैं भी ठीक हूं, कृपा भी ठीक है। तुम तो बड़ी सूरमा निकली यार, अपने पति और अपनी भांजी को ऐसे मौत के मुंह से खींच कर बाहर ले आई तुम। You are just awesome. चार, चार, please, please, please. Please. चार, please, चुप हो जाओ। मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। चाहे तुम, मेरी कसम है चाहे, प्लीज चुप हो जाओ। तुम ऐसे ही रोती रही ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। प्लीज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। चाहत, अभी तुम्हें जो भी कुछ बोलना है, जो भी कुछ सुनाना है ना, सब एग्जाम के बाद बोलना है तुम्हें। नील प्लीज, याद है ना आज फाइनल प्रैक्टिकल एग्जाम है, चलो एग्जाम सेंटर के लिए लेट हो रहे हैं, चलो। नील प्लीज, मुझसे नहीं होगा, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, और मैंने पढ़ाई भी नहीं की। चाहत, तुमने जितनी पढ़ाई की है ना उसका एग्जाम दो बस, कोई स्ट्रेस नहीं है। चाहत चलो उठो, तुम उठ रही हो यार, तुम्हें नील प्लीज लेकर जाऊं मैं, चलो
नहीं चलोगी ना तो तुम्हें उठा कर लेकर जाऊंगा मैं। चाहत तुम्हें क्या लगता है वो डॉक्टर क्या बोलते हैं उसको वो न्यूरोलॉजिस्ट बनने का सपना तुम्हारा है? अब ये सपना मेरा भी हो गया है। इतना कुछ कर रहे हैं, मेरे बाबा ने आपकी जान लेने की कोशिश की, ये बात मैं आपको कैसे बताऊंगी?